अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शिक्षक बहुत कठोर है तो उस वक्त तक इंतजार करो जब तक तुम्हें तुम्हारा बॉस नहीं मिल जाता। खुद की तुलना किसी और के साथ मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं का अपमान करते हैं। यदि आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। हो सकता है आपके स्कूल ने विनर और लूजर बताना छोड़ दिया हो, लेकिन जिंदगी ने नहीं। मैंने कभी भी पढ़ाई में टॉप नहीं किया, लेकिन टॉप करने वाले लोग आज मेरी कंपनी में जॉब करते हैं। सफलता एक घटिया शिक्षक है, यह लोगों में यह सोच विकसित कर देती है कि वो असफल नहीं हो सकते। जीवन कितना भी छोटा क्यों ना हो, समय की बर्बादी से वह और भी छोटा हो जाता है। हमारा लक्ष्य निर्धारित करता है कि हम क्या बनने जा रहे हैं। जीवन न्यायुक्त नहीं है, इसकी आदत डाल लीजिए। बेवकूफ बनकर खुश रहिए और इसकी पूरी उम्मीद है कि आप अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। धैर्य ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। मैं परीक्षा के कुछ विषयों में फेल हो गया, लेकिन मेरे दोस्त सभी में पास हो गए और अब वह माइक्रोसॉफ्ट में एक इंजीनियर हैं और मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूं। कहानी जहां खत्म होती है, जीवन वहीं से शुरू होता है। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, ये तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलताओं से सीखने का नतीजा है। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो केवल आप भूलते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं तो पूरी दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हैं। उम्मीद सत्य का एक रूप है, यदि लोग ऐसा विश्वास करते हैं तो यह सच है। आपकी सबसे बड़ी गलती ही आपको भविष्य में अच्छे निर्णय लेने में सहायता करती है। चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, केवल एकाग्रचित होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। हम समाज की अच्छी सेवा उन लोगों का चुनाव करके कर सकते हैं जो बुद्धिमान हो, कठिन परिश्रम करते हों और दूर की सोच रखते हों। मेरा विश्वास है, यदि आप लोगों को समस्याएं दिखाओगे और उनका हल बताओगे तो लोग उसको अपनाने के लिए जरूर आकर्षित होंगे। तकनीक बस एक साधन है। बच्चों को एक साथ काम करने और प्रेरित करने के लिए शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारी बुराइयां बता सकें, जिसमें हम सुधर सकें। टीवी वास्तविकता से परे है। वास्तविक जीवन में लोगों को नौकरी पर जाना पड़ता है बजाय कैफे में बैठने के। हर व्यक्ति को एक कोच की जरूरत होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बास्केटबॉल खिलाड़ी, एक टेनिस खिलाड़ी, एक पहलवान या एक ब्रिज खिलाड़ी हों। व्यापार कुछ नियमों और बहुत सारे जोखिमों के साथ साथ पैसों का खेल भी है। जलवायु परिवर्तन एक भयानक समस्या है और इसे पूरी तरह से हल किया जाना चाहिए। यह एक बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपने चाहे कितने ही लक्ष्य पूरे क्यों ना कर लिए हों, आपकी निगाहें हमेशा अगले लक्ष्य पर टिकी होनी चाहिए। लक्ष्य के बारे में सबसे जरूरी चीज है कि वह होना चाहिए। जब भी लक्ष्य निर्धारित करो, उसके लिए जुनूनी होना होगा। असफलता का आप पर नकारात्मक असर नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को हासिल करने में कितना समय लग रहा है, उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं छोटा था तब मेरे बहुत सारे सपने थे और मुझे लगता है उनमें से ज्यादातर इसलिए पूरे हो पाए क्योंकि मुझे बहुत अधिक पढ़ने का मौका मिला। कंप्यूटर और नोटबुक के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें चाहे जितना कुछ भर दें, ये बड़ा या भारी नहीं होता है। जीवन केवल दिन काटने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ महान कार्य करने के लिए है। जीवन विकास का सिद्धांत है, स्थिर रहने का नहीं। जीवन निर्वाह के लिए कमाने में इतना व्यस्त ना हो जाएं कि जीवन जीना भूल जाएं। अगर आपका व्यापार इंटरनेट पर नहीं है तो आने वाले समय में आपका व्यापार मार्केट से बाहर हो जाएगा। चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो या कोई फ्री सॉफ्टवेयर, लेकिन हमारे कुछ शानदार प्रतियोगी हैं जो हमें चौकन्ना रखते हैं। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत हमेशा आपको सफलता अर्जित करेगी। कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते, क्षमा ताकतवर की विशेषता है। अमीर द्वारा गरीबों की मदद करने का जो सामान्य विचार है, मुझे लगता है वह महत्वपूर्ण है।
जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना बेहतर होता है। कारोबार की दुनिया में दाखिल होने का ये शानदार वक्त है, क्योंकि पिछले 50 सालों की तुलना में अगले 10 सालों में कारोबार कहीं ज्यादा बदलने वाला है। आपके जीवन में सबसे असंतुष्ट ग्राहक आपके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत हैं। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसमें आपके माता पिता की गलती नहीं है, इसलिए अपनी गलती का रोना धोना ना करके अपने माता पिता से कुछ सीखो। आज मैं भले ही बहुत अमीर बन चुका हूं, लेकिन मैं आज भी किताबें पढ़ा करता हूं। कठिन काम करने के लिए मैं हमेशा एक आलसी आदमी को चुनता हूं, क्योंकि एक आलसी आदमी उसे करने का एक आसान तरीका ढूंढ निकालेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसे लोग हैं जिन्हें पूंजीवाद पसंद नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पर्सनल कंप्यूटर पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जिसे पीसी पसंद हो और वो माइक्रोसॉफ्ट को पसंद ना करता हो। हमें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए गूगल और बिंग जैसे ब्रांड से प्रेरणा लेनी चाहिए। अक्सर हमें अपने अंतर्ज्ञान पर ही भरोसा करना पड़ता है। अगर मैं पहले से ही कोई अंतिम लक्ष्य बनाकर चलता तो क्या आपको नहीं लगता है कि मैं उसे सालों पहले पूरा कर चुका होता? अगर आपको कुछ बड़ा पाना है या बड़ा बनना है तो बड़ा जोखिम लेना सीखो। अगर आप खुद को अच्छा नहीं बना सकते तो कम से कम कुछ ऐसा तो कीजिए जो अच्छा दिखे। लोग हमेशा बदलाव से डरते हैं। जब बिजली का आविष्कार हुआ था लोग तब भी डरे थे। आपका जीवन उचित नहीं है, इसे उचित बनाने के लिए आपको अपने जीवन को ठीक से इस्तेमाल करना होगा। अगर हम अगली सदी की तरफ देखें तो लीडर वो होंगे जो दूसरों को सशक्त बना सकें। निसंदेह मेरे बच्चों के पास कंप्यूटर होगा, लेकिन पहली चीज जो वो प्राप्त करेंगे वो किताबें होंगी। सफलता का जश्न हमेशा मनाओ, लेकिन अपने अच्छे वक्त में अपने बुरे वक्त को मत भूलो। सफलता मिलने पर खुशियां मनाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी असफलताओं से सीखना और भी महत्वपूर्ण है। जब आप किसी चीज से संतुष्ट ना हो तब आपको उसको सीखने की ओर बढ़ना चाहिए। कंप्यूटर के कीड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, संभावना है आपको इन्हीं में से किसी एक के लिए काम करना पड़े। हम हमेशा अगले 2 वर्षों में होने वाले परिवर्तन को अधिक महत्व देते हैं और अगले 10 साल में होने वाले परिवर्तन को कम करके देखते हैं। अपने आप को निष्क्रिय नहीं होने दें। जिंदगी सेमेस्टर्स में नहीं बटी हुई है, आपको गर्मियों की छुट्टियां नहीं मिलती और बहुत कम एम्प्लॉयर्स आपकी मदद करने के इच्छुक होते हैं। खुद को खोजिए। हम सभी को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें फीडबैक दें, हम इसी तरह इम्प्रूव होते हैं। सबसे गजब के दानी वे लोग होते हैं जो वास्तव में एक सार्थक बलिदान दे रहे हैं। चाहे मैं ऑफिस में हूं, घर पे या सड़क पर, मेरे पास हमेशा किताबों का एक ढेर होता है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। बड़ी जीत के लिए आपको कभी कभी बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं।